पूर्व से लेकर दक्षिण तक समुद्र के राजा प्रणय का रचना करेंगे। तट को लांघकर स्थल भाग में प्रवेश होकर दक्षिण को तहस नहस कर देंगे। कुछ ऐसा भविष्यवाणी लिखा है 600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका के ग्रंथों में। यह प्रलयंकारी सुनामी तब होगा जब चाइना भारत के एक राज्य पर आक्रमण कर देगा। 2023 का वर्ष भले ही भारत के लिए अनेकों शुभ फल लेकर आया है, परंतु आने वाला समय भारत के इतिहास का सबसे कठिन कालखंड होने वाला है। भयभीत करने का प्रयास नहीं कर रहा मेरे मित्र, आने वाले भविष्य से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि कल को कौन रहेगा और कौन नहीं बता पाना कठिन है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। पंच सखाओं ने बार बार लगातार अपने हर एक ग्रंथ में सुनामी के विषय में कहा है। प्रत्येक युग में जल प्रलय 3 बार होता है, आद्य प्रांत एवं मध्य काले अर्थ आरंभ में, मध्य में एवं अंत में। अनेकों शास्त्रों में यह प्रमाण मिलता है कि यह जल प्रलय तब होता है जब संसार में परिवर्तन का आवश्यकता पड़ता है। जब जब पृथ्वी पर पाप तथा अधर्म का मात्रा अत्यधिक हो जाता है, केवल तब ही ऐसे जल प्रलय के माध्यम से परिवर्तन होता है। कोई इसे अध्यात्म से जोड़कर देखता है तो कोई इसे विज्ञान से। दोनों पक्षों का मत सही है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि भविष्य मालिका में क्या लिखा है। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं, सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघि बढ़िजीब पूर्वरु दक्षिणे समुद्र बढ़िब दक्षिण को माड़िजीब। अर्थ पूर्व से लेकर दक्षिण तक समुद्र प्रलय का रचना करेगा, तट को लांघकर स्थल भाग में प्रवेश होकर दक्षिण को तहस नहस कर देगा। परंतु इस भविष्यवाणी में भारत के विषय में कहा गया है या पृथ्वी के किसी अन्य भाग के विषय में? क्या गुरुदेव ने इस पर कोई स्पष्ट तथ्य दिया है? ध्यान से सुनिएगा। संत गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं, पूर्वरु दक्षिणे समुद्र माड़िब दक्षिणे करिब गादी होइब लहड़ी पड़ुथिब माड़ी बड़ देउल को भेदी। अर्थ पूर्व से लेकर दक्षिण तक समुद्र तट को लांघकर स्थल भाग में प्रवेश हो जाएगा। समुद्री लहर दक्षिण को तहस नहस करेगा, आगे बढ़ेगा एवं बड़ो देउल को पार कर जाएगा। क्या आपको पता है कि बड़ो देउल किसे कहा जाता है? अखंड भारत वर्ष के 4 धामों में से एक कलयुग का धाम पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बड़ो देउल कहा जाता है। संत गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार ये सुनामी भारत के पूर्व से लेकर दक्षिणी भाग में होगा, जिसमें दक्षिण सबसे अधिक प्रभावित होगा। ये सुनामी इतना शक्तिशाली होगा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी पार कर जाएगा। यानी इतना तो स्पष्ट है कि ये सुनामी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में होगा। परंतु पूर्व से लेकर दक्षिण तक अनेकों राज्य आते हैं, अनेकों देश भी आते हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो फिर इनमें कौन से अंचल इस सुनामी से प्रभावित होंगे? यदि हम अखंड भारतवर्ष के भूगोल पर नजर डालें तो पूर्व से लेकर दक्षिण तक यानी म्यांमार के कुछ अंचल, बांग्लादेश के कुछ अंचल, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एवं श्रीलंका। 12 अप्रैल 1762 बे ऑफ बंगाल में भूकंप के कारण बांग्लादेश के कोस्ट से एक सुनामी टकराया था। 31 दिसंबर 1881 कार निकोबार अंचल में 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण भारत के ईस्टर्न कोस्ट से एक सुनामी टकराया था। 27 अगस्त 1883 इंडोनेशिया के कारकाटोवा वोल्केनो इरप्शन के कारण भारत के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर सर्दर्न कोस्ट तक एक सुनामी टकराया था, जिसमें चेन्नई का अंचल सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। 26 जून 1941 अंडमान में 8.1 तीव्रता के भूकंप के कारण भारत के ईस्ट कोस्ट से एक सुनामी टकराया था। ये सभी तथ्य भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। यानी भारत के पूर्व से लेकर दक्षिणी तट तक सुनामी जैसा प्राकृतिक आपदा कोई नई बात नहीं है। परंतु भविष्य मालिका में जिस सुनामी के विषय में लिखा हुआ है, वो सुनामी भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी एवं शक्तिशाली सुनामी होने वाला है, जिसमें भारी जान माल का नुकसान होगा। ये मैं दावे के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि संत गुरु अच्युतानंद जी ने
स्पष्ट कहा था कि समुद्र का जल पुरी के जगन्नाथ मंदिर को पार कर जाएगा एवं पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ऊंचता यानी हाइट 214 फीट से भी अधिक यानी 65 मीटर से भी अधिक है। इससे आप अनुमान लगाएं कि वो सुनामी कितना शक्तिशाली होगा। पर यह सुनामी कब होगा? क्या भविष्य मालिका में कोई संकेत भी लिखा है? संत गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं, बड़ो देउलो को धक्का मारु थीबो देखिबु तु नयनरे उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव हेतु रखिबु मनरे। अर्थ जगन्नाथ मंदिर को धक्का मारता रहेगा, देख लेना अपने नेत्रों से उत्तरांचल को युद्ध का प्रस्ताव, याद रखना अपने मन में। साधारण भाषा में कहूं तो यह प्रलयंकारी सुनामी तब होगा जब चाइना उत्तरांचल पर आक्रमण कर देगा। परंतु आज के भारत में क्या उत्तरांचल नाम से कोई राज्य मौजूद है? नहीं। फिर ये उत्तरांचल का अर्थ क्या है? इतिहास के पन्नों को पलटाएं। आज जो उत्तराखंड राज्य है, पहले उसका नाम उत्तरांचल था एवं उत्तराखंड का सीमा डायरेक्ट चाइना से लगता है कि नहीं? कितने चतुराई के साथ, कितने स्पष्टता के साथ 600 वर्ष पूर्व जब न कागज था न कलम, ताड़ के पत्तों पर यह महागुप्त बातें लिख दिया था जो आज एक एक करके सच होते जा रहे हैं। यदि पुरी का जगन्नाथ मंदिर इस सुनामी में डूब जाएगा तो क्या महाप्रभु जगन्नाथ भी हमेशा हमेशा के लिए अपने भक्तों से दूर हो जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं, पुरु बरु लुणा माड़िया शिव बाईसी पावचे मिन रत्न सिंहासन रे वरुण देवता नथी बेचका नयन। अर्थ पूरब से सुनामी उठेगा, जगन्नाथ मंदिर को जलमग्न कर देगा और जब समुद्र का जल रत्न सिंहासन तक पहुंचेगा तब रत्न सिंहासन पर से महाप्रभु जगन्नाथ गायब हो चुके होंगे। परंतु गायब होकर कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन लेकर जाएगा? यदि आप इस विषय में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने खुद द्वारका का निर्माण किया था, परंतु जब द्वारका में पाप अधर्म का मात्रा अत्यधिक होने लगा तो उन्होंने खुद ही उसे हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डुबा दिया था। ठीक वैसे ही आज भारत में जब पाप अधर्म का मात्रा अत्यधिक हो चुका है तो महाप्रभु जगन्नाथ इसे क्यों नहीं डुबाएंगे भला? परंतु क्या भारत में केवल पूर्व एवं दक्षिण के लोग ही पापी है? क्या उत्तर एवं पश्चिम के लोग बच जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, उत्तर में हिमालय टूटकर पाताल में समा जाएगा, पश्चिम में न्यूक्लियर अटैक से कोई नहीं बच पाएगा। और कुछ इसी तरह भारत के हर एक पापी को अपने किए का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। याद रखना बंधु, उत्तर में सजेगा दक्षिण में गरजेगा, पूर्व में ना रहेगा कोई, पेड़ की डाली पकड़कर जो भी रहेगा वही बनेगा नए युग का बीज। क्या आप बता सकते हैं कि 2004 में जो सुनामी हुआ था उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि भारत का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है। सही उत्तर है बैरन आइलैंड। विजेता का नाम है शांतनु धागे। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।